आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज के प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। हरियाणा के परिणाम से कांग्रेस उत्साहित, आरपीएल ने कहा कि झारखंड में 25 पर सिमट जाएगी भाजपा। दूसरी खबर, हरियाणा और महाराष्ट्र के परिणाम से झामुमो गदगद, हेमंत ने कहा कि जनता को नहीं किया जा सकता गुमराह। तीसरी खबर, पीडीओ की गिरफ्तारी को लेकर हजारीबाग में सड़क पर उतरे लोग, दिखा आक्रोश। चौथी खबर, मुख्यमंत्री ने दी आदिवासियों को सौगात, धूम कुड़िया भवन का किया शिलान्यास। पांचवी खबर, मौसम की मार, सीएम नहीं जा सके चतरा, सभी कार्यक्रम रद्द। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। एक दिन पहले ही दो विधायक समेत तीन महत्वपूर्ण नेताओं को गंवाने वाली कांग्रेस के लिए हरियाणा से अच्छी खबर आई है। इसे पार्टी के नेता खासे उत्साहित हैं। झारखंड में कांग्रेस की कमान संभाल रहे प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने दावा कर दिया है कि झारखंड में भी भाजपा 25 सीटों पर ही सिमट जाएगी। कहा कि जनता भाजपा को आईना दिखा रही है, बीजेपी 65 पार और 75 पार का नारा दे रही है, जबकि इस बार 25 पार करना भी मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि जनता में बीजेपी के प्रति जो आक्रोश है, उस हिसाब से बीजेपी 25 पार भी नहीं कर पाएगी। वहीं कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या जेएमएम के साथ, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ये प्लानिंग है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। हरियाणा चुनाव को लेकर आरपीएन सिंह ने कहा कि वहां का उन्हें पूरा मामला पता नहीं है, लेकिन जो भी परिणाम आ रहे हैं वह खट्टर सरकार के खिलाफ है। विधायकों के पार्टी बदलने पर उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त ये सब होता रहता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक बनाते हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनावी परिणाम से गदगद है। पार्टी ने इसे भाजपा के लिए सबक बताया है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव परिणाम से साफ हो गया है कि प्रचंड प्रचार तंत्र, मजबूत धन तंत्र और राजनीतिक चालबाजी से जनता को बहुत दिनों तक गुमराह नहीं किया जा सकता है। हेमंत ने कहा कि यह परिणाम यह भी संकेत दे रहे हैं कि आर्थिक मंदी, बढ़ती बेरोजगारी एवं किसानों की दयनीय स्थिति का प्रभाव अब घर घर में महसूस किया जा रहा है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। हजारीबाग के बड़का गांव के वीडियो राकेश कुमार और उनकी पत्नी आरती देवी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आदिवासी समाज के छात्र सड़क पर उतरे। जोरदार बारिश के बीच भी सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने अविलंब वीडियो की गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही साथ सरकार से भी मांग की कि वीडियो को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। बता दें कि 1 अक्टूबर को हजारीबाग में वीडियो राकेश कुमार और उनकी पत्नी आरती देवी के ऊपर नाबालिग बच्ची ने गंभीर आरोप लगाया था। नाबालिग बच्ची ने उससे घर में नौकरानी के रूप में काम लेने और उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था, साथ ही बेरहमी से पिटाई करने और गर्म आयरन से जलाने के प्रमाण भी दिए थे। वीडियो की प्रताड़ना से जब बच्ची की हालत खराब होने लगी तो उसका इलाज घर पर ही किया गया और बाद में बड़का गाँव चौक पर जाकर छोड़ दिया गया। वीडियो की इस प्रताड़ना के बारे में जब लोगों को पता चला तो इसे लेकर लोग प्रशासन के खिलाफ एकजुट हुए और उन्होंने मांग किया कि अधिकारी पर कार्रवाई की जाए, लेकिन 20 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी अब तक अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। इसी क्रम में गुरुवार को छात्रों ने सड़क पर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। राजधानी के करमटोली चौक के पास मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धूमकुड़िया भवन का शिलान्यास किया। इसके निर्माण में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। धूमकुड़िया भवन जनजातीय परंपरा से जुड़े सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बनाया जा रहा है। इसका शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से सरना समिति की मांग थी कि करमटोली में आदिवासियों के सुविधाओं के लिए धूमकुड़िया भवन का निर्माण हो। सरना समिति की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए इसकी शुरुआत की गई है। जल्द ही आदिवासियों के सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए यह भवन तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया हमारी संस्कृति और भाषा के कारण हमें जानती है, इसलिए राज्य सरकार आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि पिछले 14 सालों में जितने सरना मसना स्थल नहीं बने हैं, उससे ज्यादा पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए सरना मसना स्थल का निर्माण किया है। इस मौके पर मंत्री सीपी सिंह, धर्मगुरु बंदन तिग्गा, विधायक राम कुमार पाहन, गंगोत्री कुजूर, वार्ड पार्षद रोशनी खलखो, महादेव उरांव सहित आदिवासी समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर।
दक्षिणी झारखंड में बीते रात से ही मौसम खराब है और लगातार बारिश हो रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास का चतरा दौरा मौसम खराब होने के कारण रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री को दोपहर 12 बजे चतरा जाना था, लेकिन अंतिम समय तक मौसम में सुधार नहीं होने के कारण 1:15 बजे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रद्द होने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। मुख्यमंत्री के नहीं आने पर सांसद सुनील सिंह बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता, सिमरिया विधायक गणेश गंजू एवं अन्य उपस्थित थे। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।